अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों की उर्दू किताब धनक का एक नज़म दरिया पढ़ेंगे। नज़म दरिया राना अकबर आबादी ने लिखी है। चलें साथ में पढ़ते हैं। बच्चों तुमने दरिया देखा, कैसा पानी बहता देखा, एक जगह पर इतना पानी, कौन बताए कितना पानी, ठंडा ठंडा साफ और सुथरा, पीने में है कैसा अच्छा, कैसा गरगर गरगर करता, जाता है गर्राटे भरता, जाएगा ये नहरों नहरों, पहुंचेगा ये शहरों शहरों, पत्ती पत्ती डाली डाली, इसके दम से है ये हरियाली, कुदरत का है एहसान है पानी, जानदारों की जान है पानी। अब इस नज़म में राना अकबर आबादी जिन्होंने इस नज़म को लिखा है वो पहले दरिया को डिस्क्राइब करते हैं। मैंने कभी देखा है दरिया, उसमें कितना सारा पानी होता है और वो पूरी दरिया एक ही जगह पे होता है, और वो पानी जो दरिया का पानी होता है वो ठंडा भी होता है, मीठा भी होता है, साफ सुथरा भी होता है, और जब वो बहता है तो उसमें से आवाज़ें आती हैं, और यही दरिया का पानी भी नहरों में जाता है, नहरों के ज़रिए ये शहरों में पहुँचता है, और इसी पानी की वजह से हमारे खेतों में पानी पहुंचता है जिसकी वजह से हरियाली होती है। और अगर पानी ना हो तो ऑफ कोर्स कोई पौधा उगा नहीं पाएंगे, खेती में पानी आ नहीं पाएगा, तो हम लोग सब भूखे रह जाएंगे। तो पानी जो है वो कुदरत का एहसान है और तमाम जानवरों की जान है। ने जो नज़म दरिया है उसकी मश्क करनी है। मश्क मतलब एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहला सवाल, जानदारों की जान है पानी का क्या मतलब है? यानी आपने समझाना है कि ये जो फ्रेज है जानदारों की जान है पानी, कि जो जानदार है उनकी ज़िंदगी किस तरीके से पानी पे डिपेंडेंट है, वो आपने समझाना है। दूसरा सवाल, पानी बहता हुआ कहाँ कहाँ जाता है? तो आपने नज़म पढ़ना है और उसमें बताना है कि पानी जो बहता है वो कहाँ कहाँ जाता है। तीसरा सवाल, पत्तों और डालियों में पानी किस तरह हरियाली लाता है? तो ये भी आपने समझाना है जवाब में कि पत्तों और डालियों में जो पानी होता है वो किस तरह से हरियाली लाता है। फिर इसके बाद आपने नज़म पढ़ना है और इन तीन अल्फाज के हम आवाज़ ढूंढने हैं, यानी इस जैसी आवाज़। पहर, ये पहर की हम आवाज़ अल्फाज होगी शहर, तो वैसे ही आपने पहर के दो हम आवाज़ अल्फाज ढूंढने हैं, शान के दो हम आवाज़ अल्फाज ढूंढने हैं, और नाली के दो हम आवाज़ अल्फाज तलाश करने हैं। अगला सवाल है, दरिया के पानी की तारीफ़ में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो लिखना है। तो दरिया के पानी की तारीफ़ में जो भी अल्फाज हैं लाइक ठंडा या मीठा, इस टाइप के जितने भी अल्फाज आपके नज़म में गिवन हैं वो वाले अल्फाज आपने लिख देने हैं। फिर आपका अगला सवाल ये है कि नीचे जो अल्फाज गिवन हैं, दरिया, पानी, साफ, जगह, कुदरत, एहसान, शहर, नहर, हरियाली, इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना है। उर्दू के हुर्फ तहजी में अलिफ आता है, तो अलिफ से यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ है? एहसान। सबसे पहले आप एहसान लिखेंगे, फिर अलिफ के बाद आता है बे, लेकिन बे से कोई भी यहाँ पे लफ्ज़ गिवन नहीं है, तो उसके बाद आता है पे, पे से कौन सा गिवन है? पानी। तो एहसान लिखने के बाद आप डैश लगा के पानी लिखेंगे। इसी तरीके से आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे कंटिन्यू करना है। अगला सवाल आपका ग्रामर से मुतल्लिक है। अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में नाम के बारे में यानी इसम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यानी कि आपके पास जो भी यहाँ पे नाम है लाइक दरिया हो गया, पानी हो गया, ये आपने नाम के हेडिंग के नीचे लिखना है। फिर आता है काम, इसमें से कौन कौन से फेल हैं? बहता फेल है, देखा काम है, तो आपने काम के हेडिंग के नीचे लिखना है। तीसरा है सिफत, सिफत होती है किसी की खूबी, खामी या फिर नंबर को शो करें, तो इसमें कौन कौन से है? हरियाली यानी ग्रीनरी, तो वो आपका सिफत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सवाल करना है। उसके बाद आपने अपने वोकैबुलरी को देखना है कि आप कौन कौन से ऐसे लफ्ज जानते हैं जिसके आखिर में ली आता है, लाइक डाली, हरियाली, इस तरह से आपने छह और अल्फाज लिखने हैं जिसके आखिर में ली आता हो।